हेलो गाइस, कैसे हो? तो दोस्तों, एक नया नया अपडेट आया है दोस्तों कि अभी दुबई में अब लॉन्ग छुट्टी कब होगी। तो जस्ट दोस्तों, इसका अनाउंसमेंट हो चुका है कि अगला छुट्टी जो हॉलीडे की छुट्टी है दोस्तों, अभी अभी हम लोग को यहाँ बकरीद का छुट्टी मतलब ईद उल अजहा का छुट्टी जो 4 दिन का गया दोस्तों। तो इसके बाद भी बहुत सारे भाइयों का कमेंट आ रहा था कि ये छुट्टी कब है अगला अनाउंस। तो जस्ट आज दोस्तों अनाउंस हो ही गया, दुबई गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया ये छुट्टी का कि अगला छुट्टी कब होने वाला है। तो दोस्तों, ज़्यादातर आपको मालूम कि मैं कंपनी से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, बट कुछ ऐसा अपडेट आ जाता है तो ये सब चीज़ दोस्तों। छुट्टी क्या होता है, हम लोग जैसा वर्कर के लिए खुशी का माहौल कर देता है। एक तो थोड़ा रेस्ट टाइम मिल जाता है, मतलब हम लोग को आराम करने का मौका मिल जाता है, और नहीं तो फिर हम लोग काम करते तो उसका लगभग डबल पैसा हो जाता है दोस्तों। तो इसलिए सोचा जो छुट्टी का अनाउंस हुआ है दोस्तों का आप लोग के साथ भी शेयर करूँ। तो ज़्यादातर मैं कंपनी से रिलेटेड दोस्तों वीडियो बनाता हूँ कि दुबई में कौन सी कंपनी अच्छी है, किस कंपनी में आपको जाना चाहिए, किस कंपनी में नहीं जाना चाहिए, बट कुछ ऐसा अपडेट आ जाता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ कि ये जो अपडेट आया है दोस्तों वो कब से छुट्टी फिर होने वाला है। क्योंकि छुट्टी होने में क्या होता है दोस्तों कि अगर मान लीजिए 3 दिन 4 दिन या 2 दिन का छुट्टी होता है तो हम लोग एक दिन रेस्ट भी कर लेते हैं, आराम भी कर लेते हैं, या तो फिर हम लोग को पैसा की ज़्यादा ज़रूरत है तो कंपनी ओवर टाइम भी देती है। तो ओवर टाइम में लगभग ज़्यादातर कंपनी 1.5 देती है, मतलब 1 घंटा आप काम करोगे तो 1.5 घंटे का पैसा देती है। आपकी कंपनी में कैसे देती है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके कंपनी में जब आप हॉलीडे में काम करते हो, जैसे कि संडे का करते हो या गवर्नमेंट के जब छुट्टी होता है तो उस टाइम काम करते हो, तो आपकी कंपनी कैसी देती है ओवर टाइम का पैसा, सिंगल देती है 1.5 देती है। मगर 90% कंपनी दोस्तों, मुझे पता है ज़्यादातर कि 90% कंपनी 1.5 देती है, 1 घंटा काम करोगे तो 1.5 घंटे का पैसा देती है। तो दोस्तों, जो अनाउंसमेंट हुआ था छुट्टी के लिए वो अगला जो 30 जून है दोस्तों, लास्ट सॉरी 30 जुलाई, 30 जुलाई को अभी स्क्रीनशॉट में लगा देता हूँ दोस्तों, क्योंकि गल्फ न्यूज़ में अभी जस्ट अभी अपडेट आया है। तो 30 जुलाई को ये मुहर्रम का, यहाँ पे जो मुहर्रम है दोस्तों, इस्लामी तौर तरीके से जो नया साल होता है दोस्तों मुहर्रम में ही स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट जो छुट्टी है दोस्तों वो नया साल का मतलब मुहर्रम का, वो 30 जुलाई को छुट्टी स्टार्ट होने वाला है। तो यही अपडेट आया था, तो दोस्तों तो मैं सोचा जस्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो सैटरडे मतलब 30 जुलाई लगभग सैटरडे पड़ रहा है, तो सैटरडे और संडे 2 दिन हम लोग को वर्कर को लगभग छुट्टी होगा, और ये गवर्नमेंट सेक्टर वाले को तो ऐसे भी सैटरडे भी छुट्टी होता है, संडे भी होता है, प्लस फ्राइडे हाफ डे होता है। तो उन लोग को एक दो दिन और, मतलब उन लोग को लॉन्ग छुट्टी होने वाला है, बट हम लोग को 2 दिन का छुट्टी मिलने वाला है क्योंकि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। आपको मैं स्क्रीनशॉट में लगा कर दिखा देता हूँ। तो जस्ट ये अपडेट शेयर करना था दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपकी कंपनी जब हॉलीडे में काम कराती है तो आपके पैसे देती है कि नहीं, और कंपनी का नाम ज़रूर लिखना दोस्तों, ताकि हमें पता चले कि आपकी कंपनी कौन सी और कौन सी कंपनी ऐसा करती है। और जो भी सवाल है दोस्तों, चलता वीडियो भर में 4 अंक का कोड आएगा, उस कोड के साथ आप कमेंट करो, आपका भाई ज़रूर रिप्लाई करेगा। तो चलिए